शांति। आज की तारीख है 7/12/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है किसके साथ? मीठे मीठे बाप दादा के साथ तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे, यानी शिव बाबा, जब आप सृष्टि पर आएंगे तो हम क्या करेंगे? वारी जाएंगे, अर्थात आप पर समर्पित हो जाएंगे। अब बाप आए हैं, अब बाबा हमें वायदे की स्मृति दिलाते हैं कि अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वायदे को भूल चुके हैं तो बाबा याद दिला रहे हैं। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है। क्या होगी? हर एक अपने दिल में जवाब दे बाबा को कि देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को वो याद नहीं करते। और हम लोग हैं कि सारे दिन में कितने सारे देहधारियों को और इस देह की दुनिया के पदार्थ और आकर्षणों को याद करते रहते हैं। न बाप को वो याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसीलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं। और अप्राप्त कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति को याद करे। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। हाँ बाबा, रोज रोज हम बच्चों को ये श्रीमतें याद कराते हैं। नंबर दो है, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। हाँ, हम तो हैं ही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। बाप कहते हैं, संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी में उनके झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द को भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रखकर भाग्यवान आत्मा भव। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए। सुना सभी ने ध्यान से, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।